करते हैं। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज़, यहाँ पे एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, पूछा गया है इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें आर और एस के नोटेशंस में इसको बताना है। तो चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो आप देखिए ये हम आर एस जो नोटेशन कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर एस इज बेस्ड ऑन रोटेशन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों में ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब चलिए इसको रोटेट करते हैं, तो वन टू जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका डाउन में आना चाहिए, तो डाउन में आ रहा है, इनवर्ड होगा। तो ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आर होता है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एस पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐसे लें तो वन टू, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो गया आपका एस। एस होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए आपका आंसर आएगा 2R एंड 3S।